हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी नॉलेज हमारे पास हो तो वो आपसे भी शेयर करें ताकि आपके बर्ड्स भी सेफ रह सकें। हमारे एक वीडियो से अगर किसी बंदे का एक भी बर्ड बच जाता है तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस गाइस। बर्ड्स हमारे खुश होते हैं तो जैसे हम खुश हो जाते हैं, और जब बर्ड्स हमारे बीमार हो जाते हैं तो जैसे हम बीमार हो जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी दवाई हो आप सीरप फॉर्म में दें बर्ड्स को तो वो बेहतर है, क्योंकि लिक्विड जो है ना वो जल्दी हल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पाउडर या टेबलेट या कैप्स्यूल। हम बेसिक सी मेडिसिन की बात करेंगे, कोई महंगी दवाइयों की बात नहीं करेंगे जो कि आम फैंसियर या आम शौकीन अफोर्ड भी ना कर सके। वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन K3, वाइटामिन B1, B2, B6, B12, वाइटामिन सी, उसके अलावा फोलिक एसिड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप परिंदों के शौकीन हो या आप न्यू फैंसियर हो इस हॉबी में न्यू आए हो, तो आपके लिए कौन सी मेडिसिन ज़रूरी हैं आपके परिंदों के लिए जो कि उनको सेफ रख सकती हैं या आप उनको फर्स्ट एड के तौर पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी आप अगर फिंचेस पालते हो तो फिंचेस आपकी मरती हैं या बीमार हो जाती हैं, तो आपने उनको फर्स्ट एड के तौर पे कौन सी मेडिसिन यूज़ करवानी है और कौन सी मेडिसिन एक न्यू फैंसियर के शेड में होना बिल्कुल नेसेसरी है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो आज इस यही टॉपिक है हमारी वीडियो का, तो एंड तक बने रहिएगा। हम बेसिक सी मेडिसिन की बात करेंगे, कोई हैवी या कोई महंगी दवाइयों की बात नहीं करेंगे जो कि आम फैंसियर या आम शौकीन जो कि जिसका बहुत छोटा सा सेटअप है तो वो अफोर्ड भी ना कर सके। ऐसी दवाइयों की बात इस वीडियो में नहीं करने जा रहे जो कि आप अफोर्ड ना कर सको। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें ज़रूर, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और मैंने एक सीरीज़ शुरू की हुई है मेडिसिन की, जिसमें मैं आपको बताता रहूँगा कि भाई कौन सी मेडिसिन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं या कौन से मर्ज़ के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है और उसका इलाज क्या है। तो चलिए सबसे पहली हमारी मेडिसिन है लाइसोविट। सबसे पहली मेडिसिन है लाइसोविट, लाइसोविट या वाइडलिन एम आप यूज़ कर सकते हो। ये एक आम फैंसियर के शेड में होना ज़रूरी है क्योंकि ये एक मल्टी वाइटामिन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वाइटामिन सी प्लस एंड लाइसिन होता है इसमें। यानी कि जब आपके परिंदे ब्रीड पे आते हैं तो उस दौरान भी आप दे सकते हैं, जब उनके बच्चे हैच होते हैं तो उस दौरान भी आप दे सकते हैं। 1 लीटर में मैं एक केप डालता हूँ इसकी, ये जो इसकी केप है 1 लीटर में एक फुल केप में डालता हूँ, ये रिकमेंडेड है। दूसरी मेडिसिन है कैल्शियम पी, ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो कैल्शियम पी भी एक कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है फॉर बर्ड्स स्पेशली। इसमें कैल्शियम और वाइटामिन डी होता है, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो कभी भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक आपके पास वाइटामिन डी ना हो। तो जिस भी दवाई में कैल्शियम होता है उसमें वाइटामिन डी ज़रूर होता है ताकि वो अपने आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। तो ये भी आपके बर्ड्स के उस दौरान काम आता है जब वो अंडे ले कर रहे होते हैं, यानी कि आप ब्रीड ले रहे होते हो, तो उस दौरान ये बहुत बुरा असर है, तो यह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा ये भी आपके शेड में होना लाजमी है, इसका नाम है कोलीसोल। कोई भी न्यू फैंसियर होता है उसके शेड में मैं कहता हूँ ये चीज़ होना बिल्कुल लाजमी है। ये मेडिसिन भी एक मल्टीटास्किंग मेडिसिन है क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो जाती है, या आप ऐसा कह लो कि ये मैं फर्स्ट एड के तौर पे यूज़ करता हूँ, या काफ़ी जो ब्रीडर हजरात हैं वो जिनके पास महंगी दवाइयाँ नहीं हैं तो वो इसको एज अ फर्स्ट एड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, ये पावरफुल है, उसके अलावा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल है, बैक्टीरिया के खिलाफ भी लड़ती है, वायरसेस के खिलाफ भी लड़ती है, एंटी डायरिया है, यानी कि आपके लूज मोशंस लग जाते हैं, बर्ड्स को मोशंस लग जाते हैं तो उसके लिए भी काम आती है। ये जो दवाई है ये अगर आपके पास नहीं है तो फ़ौरन से पहले ले लें, ये आपको बर्ड्स के स्टोर से मिलेगी, तकरीबन 200 रुपये की मिलती है, ये 100 ml होता है इसमें अंदर। तो इसका डोजेज भी आपने यूँ देना है कि 1 लीटर में इसकी जो एक केप है ये डालनी है, ठीक है, रिकमेंडेड है। नहीं तो आप आधी भी डाल सकते हो, आप 1.5 से 2 भी डाल सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बर्ड सेवियरली बीमार है या बीमार हो चुका है तो उसको आप ओरली 2 कतरे मुंह में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इस मेडिसिन का नाम है फ्लेजल। फ्लेजल एक्चुअली जो इस्तेमाल की जाती है वो मोशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसके और भी काफ़ी सारे असरात हैं। ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है और इसका इस्तेमाल दूसरी मेडिसिन के साथ भी होता है, ठीक है। इसके अलावा ये दवाई ऑगमेंटिन,
ऑगमेंटिन तब इस्तेमाल की जाती है आपके बर्ड को कोई इंजरी हो जाती है, कोई जख्म लग जाता है किसी चीज का, खून निकलता है किसी इंजरी की वजह से, तो उस दौरान अगर आप ये दवाई देते हो तो उनके जो भी जख्म वगैरह हैं अंदरूनी वो सही हो जाते हैं या बैरूनी भी वो भी ठीक हो जाते हैं इस दवाई से। अच्छा, इसकी डोजेज क्या है? इसकी डोजेज भी वही सेम डोजेज है, अगर आप 1 लीटर में डालते हो तो तकरीबन इसका जो इसका केप तो बड़ा है, इसका आधा केप आपने डालना है अगर 1 लीटर पानी है तो। उसके अलावा अगर ये जो मेरे पास पीछे पॉट्स पड़े हुए पानी के, ये जो आप देख रहे हो, इनमें आप 10 से 15 कतरे डाल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास अभी यहाँ पे पड़ी भी नहीं है, किसी और जगह पे रखी है मैंने, पेनाडोल। पेनाडोल तो आपको पता ही है पाकिस्तान की एक नेशनल मेडिसिन है, तो कोई भी अगर बंदा बीमार होता है तो हम उसको पेनाडोल दे देते हैं विदाउट नोइंग कि उसको हुआ क्या है। तो पेनाडोल आपके शेड में होना ज़रूरी है बर्ड्स के लिए, और अगर कोशिश करें आपके पास उसका सिरप होना चाहिए, और मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी दवाई हो आप सिरप फॉर्म में दें बर्ड्स को तो वो बेहतर है, क्योंकि लिक्विड जो है ना वो जल्दी हल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द पाउडर या टेबलेट या कैप्सूल। पेनाडोल भी आपके शेड में होना बहुत लाजिम है, क्योंकि वो बुखार के लिए काम आती है, वो दर्द के लिए काम आती है, वो मल्टीटास्किंग है भाई, पाकिस्तान की तो नेशनल अपना मेडिसिन है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक स्पेशली जो है पोल्ट्री के लिए बनी हुई है, लेकिन हम बर्ड्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बर्ड्स और पोल्ट्री में क्या ही फ़र्क है, दोनों बर्ड्स हैं, वो भी बर्ड्स हैं ये भी बर्ड्स हैं, लेकिन ये थोड़े छोटे बर्ड्स हैं और पोल्ट्री थोड़ी एक बड़े बर्ड्स होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो है मेरे पास है वाइटासोल सुपर, 350 रुपये में तकरीबन मिली थी मुझे ये, तो ये भी जो है ना कैल्शियम और विटामिंस और एक दो चीज़ें और भी हैं जो इसमें होती हैं, जो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन K3, विटामिन B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, उसके अलावा फोलिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, कैल्शियम और पेनोथीनेट, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। विटामिन्स जो होते हैं वो इनके ब्रीडिंग के दौरान काम आते हैं, जो कि आपके सब्जियों से भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप सब्जियां नहीं देते अपने बर्ड्स को तो दिस इज़ द बेस्ट विटामिन सोर्स यू कैन अफोर्ड। आपने इसका डोजेज देना है सिर्फ 1 ग्राम पर लीटर। इसके अलावा एक मेडिसिन मुझसे रह गई थी, तो ये आप मेडिसिन कह लो या आप ऐसी जुगाड़ कह लो, आपके शेड में ये भी होना बहुत लाजमी है। तो ये है जनाब सेब का सिरका, आपने मेक श्योर के सेब का सिरका यूज़ करना है, आम जो सिरका होता है, अंगूरी सिरका होता है शायद, वो आपने नहीं यूज़ करना, क्योंकि उससे ये बेहतर होता है। अच्छा, इसकी डोजेज क्या होती है? 1 लीटर पे आप एक केप डाल सकते हो इसी की, ठीक है, इसी की एक केप डाल सकते हो। तो ये थी कुछ बेसिक मेडिसिन जो कि मेरे जहन में थी अभी और मेरे पास मौजूद थी, लेकिन यकीनन कुछ ऐसी मेडिसिन स्टिल हैं जो कि जो बेसिक मेडिसिन मेरे पास अभी मौजूद नहीं है या मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बाकी कोई चीज़ रह गई हो मुझसे या कोई चीज़ गलत कह दी हो मैंने तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वी आर बर्ड्स लवर, बर्ड्स हमारे खुश होते हैं तो जैसे हम खुश हो जाते हैं, और जब बर्ड्स हमारे बीमार हो जाते हैं तो जैसे हम बीमार हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितनी नॉलेज हमारे पास हो तो आपसे भी शेयर करें, ताकि आपके बर्ड्स भी सेफ रह सकें, और हमारे एक वीडियो से अगर किसी बंदे का एक भी बर्ड बच जाता है तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस गाइस। तो हमारी यही बस कोशिश होती है कि हमारे वीडियोस के ज़रिए आपको जो है इंफॉर्मेशन दी जाए, और अगर आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि मज़ीद वीडियोस बनाएं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।